A very lovely good morning, children. Myself, Sarita Chaudhary, PGT Science teacher in St. Joseph Public School, Tonk. In today's video, students, you are going to study the beautiful subject, science. And one of the beautiful chapters of science subject, that is chapter 1, Nutrition in Plants. To understand this chapter, let's talk about the life processes first of all. What these are? These are the basic processes which are essential to sustain a life. जिंदा रहने के लिए जिन भी processes की हमारी life को जरूरत होती है, those are called as the life processes. The examples of life processes are, say, respiration, nutrition, excretion, circulation. These are some of the important life processes. जिनमें से अगर एक भी process काम करना बंद कर दे, तो हमारी life possible नहीं है, children. अब इन लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल सिस्टम्स ऑफ अवर बॉडी टू परफॉर्म देयर फंक्शन और वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एक्टिविटीज. यू आर द यंग चिल्ड्रन, यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज ऑफ योर डे टू डे लाइफ. आपको रनिंग करनी है, जंपिंग करनी है, स्टडी करनी है. फॉर ऑल दीज फंक्शंस यू नीड एनर्जी. अब ये एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती कहाँ से है? एनर्जी हमें मिलेगी फ्रॉम द फूड विच वी इनटेक. इन द फूड देयर आर द सेवन न्यूट्रिएंट्स. आपने वर्ड सुना होगा अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर. फूड के अंदर सेवन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं. लेट्स रिकॉल देयर नेम. दीज आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज. जब इन फूड को हम फूड को ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, फूड के अंदर ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, तो इनटेक ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स, फूड को खाना, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना और उनको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, चिल्ड्रन. अब यहां तक हमें समझ में आ गया कि व्हाट द लाइफ प्रोसेसेस आर. उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. एनर्जी वी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड. फूड के अंदर प्रेजेंट है सेवन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इनटेक ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, चिल्ड्रन. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम न्यूट्रिएंट्स का इनटेक तो कर रहे हैं, हम खाना तो खा रहे हैं, फूड हमारी बॉडी को मिल रहा है. बट वो फूड हमारी बॉडी को किस तरीके से मिल रहा है? On the basis of that part, the nutrition is of two types, children. It is autotrophic nutrition and it is of the heterotrophic nutrition. As I earlier mentioned, science is a beautiful subject. It is not a subject for the cramming and memorizing all the things. It is a subject to understand. आपको हर चीज को समझना ज्यादा जरूरी है. तो साइंस की जो बड़ी बड़ी सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इनको रटने की बजाय अगर हम इनका सिंपल तरीके से मीनिंग समझ जाए, इनका हमें अर्थ समझ में आ जाए, तो डेफिनेशन हम अपने आप बना सकते हैं इनकी. सो हियर इज अ वर्ड ऑटोट्रॉफिक. दिस ऑटोट्रॉफिक वर्ड इज फर्दर मेड अप ऑफ टू वर्ड. दीज आर ऑटो एंड ट्रॉफिक. ऑटो वर्ड रेफर्स फॉर सेल्फ, अपने आप. एंट्रोपिक वर्ड रेफर्स फॉर द न्यूट्रिशन. इतना बताने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि क्या मतलब है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का. इट इज अ न्यूट्रिशन विच इज प्रिपेयर बाय आवरसेल्फ. जो खाना अपने आप बनता है बॉडी के अंदर, सेल्फ न्यूट्रिशन है, उसको हमने कहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. कैन यू नेम द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ? यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है लिविंग बींग. कोई भी चीज जो जिंदा है उसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं लिविंग बींग, ऑर्गेनिज्म. सो द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ, जो खाना अपने आप बना सकते हैं, दोज आर द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. एंड द एग्जाम्पल ऑफ देम इज द प्लांट. जितने भी प्लांट है नेचर के अंदर, वो अपना खाना अपने आप खुद बनाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगेन दिस ह्यूज वर्ड इज मेड अप ऑफ टू सिंपल वर्ड. फर्स्ट वन इज अ हेट्रो एंड अनदर वन इज अ ट्रॉफिक. हेट्रो मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफिक मीन्स फिर से न्यूट्रिशन. समझ गए फिर से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन?
जब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग, वी ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. लेट्स कम टू द ऑटोट्रॉफिक. हीट्रोट्रॉफिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग बींग्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ. और सिंपली हम उनको कह सकते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि वो तो अपना खाना खुद बना रहे हैं. एंड दे आर प्रोड्यूसिंग फूड बाय देमसेल्फ, फॉर देमसेल्फ एंड फॉर अस ऑल्सो, हमारे लिए भी. यहाँ पे एक बिग क्वेश्चन अराइज होता है चिल्ड्रन, देन व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर द ऑटोट्रॉफ टू मेक देयर ओन फूड. उस प्रोसेस का क्या नाम है जिससे ऑटोट्रॉफ खुद अपना खाना बना लेते हैं? That process is right, it is called as photosynthesis. Again, let's break this huge word into parts. The first part is a photo. Photo ka matlab hota hai children light. And second part is a synthesis. Synthesis means to prepare, to make. So what is a photosynthesis? It is a process by which all the plants सिंथेसाइज देयर ओन फूड. वो प्रोसेस जिससे सारे प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटो. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस.